वेलकम टू कस्टम एच फोर की प्लेयर है आज हमारे पास 40 टीम 13 जो जो पुल से हो तो और प्लेन जाएगा मिलिट्री बेस टीम राइडर टीम CR7 एंड टीम 1 HP आए हैं जॉर्जो पुल और टीम 23 के अकेले डार जुनेद एक बहुत ही फाइटें देखने को मिलेंगी यहाँ पे राइडर की टीम अभी अभी लैंड की है CR7 भी लूट कर रही है CR7 एंटमैन वेम्पायर एंड कातिफ पाशा की टीम है जॉर्जो पुल में जॉर्जो सिटी में देखते हैं किसकी टीम का पहले नॉक होता है CR7 कातिब के पास डीपी विद 6x CR7 एंड पेन UMP 45 वेम्पायर के पास M4 राइडर की पूरी टीम वेयर हाउस होल्ड करते हुए वन एच पी बीच ने नॉक किया है फिनिश कर दिया है पूरा का पूरा जो एक सोलो बंदा आया था यहाँ पे बहुत ही अच्छा गेम प्ले वन एच पी बीच के द्वारा उनके पास 1 किलो आए CR7 कैप्टन ने राइडर रहमान को नॉक कर दिया है कातिफ ने बहुत ही अच्छा एक नॉक किया CR7 कातिफ ने CR7 वेम्पायर क्लोज कर रहे हैं टीम राइडर की ओर एंटेनमेंट के साथ M4 के साथ पूरी की टीम राइडर उधर से थर्ड बीच में फंस चुकी है टीम राइडर 1 HP तुर्की ने राइडर रहमान को नोक किया राइडर कामरान पीछे वेयरहाउस पे जा रहे थे काफ़ी लो कर दिया CR7 वेम्पायर का एक अच्छा नोक कातिफ ने नोक किया वेम्पायर ने 1 HP छोड़ा था बट वेम्पायर को भी पीछे से पड़ी 1 HP बीच ने उनको नोक किया DP से बीच में फंस चुकी हैं ये दोनों टीमें कातिफ भी नोक हो चुके हैं टीम राइडर हार्डी की ओर से बट का उसको CR7 एंटमैन ने फिनिश कर दिया हार्डी को बहुत ही अच्छा रिवाइव देंगे वो इजली बट पीछे से 1 HP की टीम आती हुई बहुत ही खतरे में है टीम CR7 जी हाँ पूरा आ चुकी है घुस चुकी है टीम बहुत ही अच्छा CR7 एंटमैन ने एक और नॉक किया देखते हैं क्या होता है यहाँ पे एक और पूरा का पूरा फिनिश कर दिया है 1 HP बाइप ने CR7 एंटमैन को दो फाइटों के बीच फंस गई थी टीम CR7 और राइडर इसमें जीती है 1 HP जो कि थर्ड पार्टी इजली कर ली 1 HP की टीम किल 5 हो गए हैं बहुत ही अच्छा गेम प्ले 1 HP के द्वारा टीम राइडर 0 किल के साथ मरी है टीम CR7 3 किल के साथ इसमें एंटमैन के 2 और कातिफ का 1 हाइपर चार्ट जो कि फिनिश हो चुके हैं पूरा का पूरा और डार्क जूनियर जो सोलो आए थे यहाँ पर वो भी ख़त्म कर दिए 1 HP ने कोचिंग की मैं ये टीम नंबर 1 और टीम नंबर 5 एक फाइट देखने को मिलेगी यहाँ पे GNX राहुल ने पासा सुहेल को नॉक किया है जो कि जॉर्जो सिटी में फाइट हो रही है पासा वर्सेस GNX एंड बीस्ट विकास उनके 4 बंदे 3 एक नॉक पड़ा हुआ है वो इजिली रिवाइव हो जाएगा GNX राहुल M16 4 एकर इस पर देते हुए पाशा किलर ऊपर से बहुत ही अच्छा पिक किया बट नॉक नहीं हुई है GNX राहुल स्टैंडली उन्होंने देखा फ्री फायर देते हुए एक नेड आया बट उनको थोड़ा डैमेज कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा पाशा साहिल नॉक पड़े हुए हैं बाउंड्री के पास में पाशा मॉन्स्टर जो कि पीछे आ गए काफ़ी और GNX राहुल को सही टाइम पर आई है फुट प्रिंट जो कि पाशा मॉन्स्टर को उन्होंने नॉक कर दिया है फिनिश भी कर देंगे ईजिली इसी के चलते पाशा की टीम का एक बंदा फिनिश होता हुआ पाशा साहिल जो कि अब इजली रिवाइव हो जाएंगे बट तीनों बंदे एक ही जगह हैं अगर GNX राहुल एक नेट करते हैं तो फिनिश पूरा का पूरा फिनिश हो सकती है टीम पाशा टीम DND भी यहाँ पे आती हुई टीम DND है स्नाया पोलियाना लॉटरी सॉरी यहाँ पे इनके पास एक 1 HP टीम है जो जॉर्जो पुल लूट रही है वो इजली इन पे थर्ड पार्टी कर सकती है उन्हें भी वहाँ से गोली के मार्क तो आ ही गए होंगे कि पास में फाइट हो रही है जॉर्जो सिटी में 3v2 सिचुएशन टीम 11 के लिए देखते हैं ये फाइट कौन निकालता है GNX राहुल के पास 1 किल M16 4 एंड UG सामने है पासा साहिल किलर एंड हंटर
पासा हंटर का एक अच्छा स्प्रे, पासा हंटर को राहुल ने नोक किया बट पासा शाहिल ने इंस्टेंटली रोक कर दिया है जीएनएक्स राहुल को। देखते हैं वो अपने प्लेयर को रिवाइव देंगे या जीएनएक्स हंटर को फिनिश करेंगे। जी हाँ, पासा शाहिल रिवाइव दे रहे हैं, जीएनएक्स राहुल पीछे आ रहे हैं, उनका एक प्लेयर है वीस्ट विकास वो उनको रिवाइव करने के लिए आ रहे हैं। क्या जीएनएक्स राहुल फिनिश हो पाएंगे या बचा पाएंगे, कवर फायर दे पाएंगे वीस्ट विकास उनको, देखते हैं। मिस विकास होल्ड किए हुए हैं, उनको वेट कर रहे हैं आने का, बट वहाँ से पाशा की टीम उन्हें आने नहीं देगी, जीएनएक्स राहुल को पूरा पूरा फिनिश कर देगी अगर उन्होंने कोई भी मूव किया तो उनकी ओर। अब अगर उनके पास नेट हो तो एक नेट से ख़त्म हो सकते हैं। जी हाँ, नेट तो किया है, 1 HP छोड़ा है जीएनएक्स राहुल को। अब अगर ये टेस्ट नहीं कर पाते हैं तो फिनिश हो जाएंगे। एक स्मोक किया बट पाशा की टीम पूरा का पूरा रश करते हुई, पाशा साहिल, पाशा हंटर, पाशा किलर, पाशा हंटर पहुँच चुके हैं काफ़ी ऊपर, काफ़ी करीब जीएनएक्स और बीस के, बट वो रिवाइव हो चुके हैं। देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। बीस विकास फाइट न लेने के बजाय नीचे जंप किया है उन्होंने। अब पासा की टीम पूरी के पूरे उस साइड आ चुकी है, अब रिहील करने का मौका मिल जाएगा दोनों ही प्लेयर्स को। जी हाँ, जीएनएक्स राहुल बैंडेज तो नहीं उनके पास, एनर्जी ड्रिंक ही लगा रहे हैं। बीस विकास काफ़ी पीछे दौड़े चले जा रहे हैं, TPP ले रहे हैं, उनके पास बैंडेज है बस, वो बैंडेज ले रहे हैं। जीएनएक्स राहुल लो HP के साथ लड़ते हुए, तीन बंदे आते हुए, उनके पास भी कुछ ज़्यादा खास गन नहीं है, शॉर्ट गन है उनके पास भी, नॉक हुए हैं जीएनएक्स राहुल, बीस्ट विकास बचे हुए हैं ऊपर। पाशा किलर ने फिनिश कर दिया जीएनएक्स राहुल को, एंट्री खाते में जाएगा ये किल। मोताई बाबू ने जाटअप को नॉक किया है, पूरा का पूरा फिनिश कर दिया जाटअप को, बट STF बकर का काफ़ी अच्छा बैकअप, वो सोलो ही बचे हैं। मोताई बाबू को नॉक किया है उन्होंने, रश कर दिया पूरा, स्नेहा ने पूरा नॉक कर दिया, मोहसिन मोहम्मद ने स्नेहा पूरा फिनिश कर दिया है दोनों ने मिलकर। बहुत ही अच्छा गेम प्ले टीम 3 के द्वारा, मोताई बाबू अकेले ही नॉक हो पाए। टीम नंबर 3 और टीम नंबर 24 के बीच 1 HP वर्सेज टीम नंबर 3, देखते हैं इस फाइट को कौन निकालता है। घातक दुम्बा नॉक हुए हैं, 1 HP तुर्की ने नॉक किया है, मोहसिन मोहम्मद ये भी 1 HP वाइप ने नॉक कर दिया है, स्नेहा पीछे 1 HP वाइप ने इनको भी नॉक किया है। अकेले मोताई बाबू बचे हैं टीम नंबर 3 के लिए, 1 HP टीम का पूरा का पूरा अच्छा रश, मोताई बाबू भी 0.5 HP बचे हुए हैं, 1 HP तुर्की पूरा पूरा घुसते हुए, उनके साथ एक टीम एक किल, उनके साथ साथ टीम पूरा रश करती हुई। जी हाँ, मोताई बाबू को 1 HP तुर्की ने पूरा का पूरा फिनिश कर दिया है, बहुत ही अच्छा गेम प्ले 1 HP टीम के द्वारा। टीम किल 9 हुए हैं, 1 HP तुर्की पे 3 किल, बाइप पे 3 किल और बीस्ट पे 2 किल, और 1 HP FP जो कि कल काफ़ी अच्छा गेम प्ले दिखाया था एक किल के साथ। 24 की बीच एक और फाइट देखने को मिल सकती है, टीम नंबर 4 जो कि 7 लूट के आई है, होल्ड कर रही है यस अपने अपार्टमेंट स्कूल के। टीम नंबर 24 अभी भी फाइट लेके निपटी हुई है, उन्होंने शायद स्पॉन कर लिया है टीम नंबर एक टीम को जाते हुए वहाँ से। टीम नंबर 10 DND की टीम यस्नाया लूट करके जोन में आती हुई, टीम नंबर 6 भी जॉर्जियन सिटी लूट करके जोन में आती हुई, ये काफ़ी ड्रॉप पे आ रही है टीम नंबर 6, यहाँ पर ड्रॉप हुआ है रोजोक के पास, यहाँ पर टीम नंबर 24 ऑलरेडी मौजूद है, फ्लेयर छोड़ी आई थी उन्होंने, टीम नंबर 24 फ्लेयर पर आ रही है, फ्लेयर छोड़ी टीम नंबर 24 ने। टीम नंबर 24 पूरे का पूरा रश करती हुई टीम नंबर 4 पे, 1 HP वर्सेस एक और सियाजमीन तुर्क आमिर और समीर तुर्क, देखते हैं ये फाइट कौन जीता है। 1 HP काफ़ी अच्छा गेम प्ले दिखा रही है, CR7 कैप्टन और तुर्क आमिर और समीर तुर्क जो कि सवानी लूट के अपार्टमेंट होल्ड किए हुए थे, उनके पास टीम नंबर 8 भी है पासा की टीम, वो भी काफ़ी करीब है, वो भी अपार्टमेंट आते हुए थर्ड पार्टी कर सकती है इसलिए टीम नंबर 8 अगर वो वेट करे तो फाइट होने का। टीम नंबर 8 भी दूसरे अपार्टमेंट होल्ड किए हुए हैं, तीनों टीमें अलग अलग अपार्ट्स होल्ड किए हुए हैं, सबसे बेहतर अपार्टमेंट होल्ड किए हुए टीम नंबर 4, देखते हैं ये तीन टीमों में से कौन यहाँ से सर्वाइव कर पाती है, कौन ऐसी टीम होगी जो दो टीम को फिनिश कर पाएगी। 1 HP तुर्की ने CR7 कैप्टन को नॉक कर दिया है और 1 HP ने पूरा का पूरा रश कर दिया है टीम नंबर 4 के ऊपर,
तुर्का में रिवाइव दे रहे थे, उन्हें भी नॉक कर दिया वन एच पी तुर्की ने, और समीर तुर्क को भी पूरा का पूरा सोलो बंदे ने पूरी की पूरी टीम नंबर फोर फिनिश कर दी है। एक बंदा नेट से नॉक किया और रश करके दोनों बंदों को मार दिया। उनके सामने टीम नंबर एट जो कि वन एच पी बीस ने एक बंदा नॉक किया है, पाशा साहिल, पाशा किलर और पाशा हंटर बचे हैं। वन एच पी तुर्की के पास 6 किल, 3 किल वन एच पी बाइक, 2 वीस्ट के पास, 1 एफ पी के पास। पाशा साहिल को नॉक रिवाइव देने के लिए आए थे पाशा हंटर, क्योंकि वन एच पी तुर्की ने काफ़ी लॉक कर दिया, उन्हें पीछे पीछे भाग रहे हैं। देखते हैं क्या वो नॉक कर पाएंगे। वन एच पी बीस ने काफ़ी अच्छा कवर दिया अपने टीममेट्स को, पाशा साहिल को। वन एच पी तुर्की ने पाशा किलर को नॉक किया डी बी एस से, एक ही बंदा बचा हुआ है पाशा किलर, पूरा का पूरा फिनिश कर दिया वन एच पी तुर्की ने। बहुत ही अच्छा गेम प्ले वन एच पी तुर्की के द्वारा, 7 किल हुए हैं उनके पास, इस टीम के किल हो गए 15-5 के। दो बंदे स्क्वाड हाउस होल्ड किए हुए हैं टीम नंबर 24 उसके पास से गुजर गई, बट टीम नंबर 5 की तरफ से कोई फायर नहीं, टीम नंबर 24 को भी कोई खबर नहीं, वहाँ पर कोई बंदे भी हो सकते। टीमें बची हुई हैं वन एच पी की टीम और टीम नंबर 6 तुर्क साहिल आसिफ अभी डी एन डी स्माइलर और डी एन डी की पूरी टीम बची हुई है, और दो बंदे टीम नंबर 5 के लाइव हैं। देखते हैं ये फाइट कौन निकालता है, चिकन डिनर कौन पाता है। डी एन डी अनएक्सपेक्टेबल हमला कर सकती थी वन एच पी पे, बट उन्होंने अपनी पोजीशन बताई है वन एच पी को। वन एच पी वर्सेज टीम डी एन डी, टीम वन एच पी की एक फाइट देखने को मिलेगी यहाँ पर। दोनों की टीम के 4-4 बंदे लाइव हैं, तो इस फाइट को कौन निकाल पाता है, डी एन डी या वन एच पी। वन एच पी काफ़ी अच्छा रश गेम प्ले खेल रही है, डी एन डी काफ़ी देर से सर्वाइव कर रही है, यसनाया लूटा था उसने। डी एन डी फेजर का बहुत ही अच्छा डी पी का स्प्रे वन एच पी बाइप को नॉक किया है। वन एच पी तुर्की उसका डा उसकी छत पे एक कवर फायर देते हुए अच्छा अपने टीम मेट्स को। डी एन डी जे भी पूरा का पूरा ओपन में रश करना चाहते थे, वन एच पी तुर्की ने उन्हें नॉक किया। वन एच पी तुर्की ने डी एन डी जे बी को पूरा का पूरा फिनिश कर दिया है। आठ किलो हुए वन एच पी तुर्की के पास, सामने है डी एन डी फोन, डी एन डी फैजल एंड डी एन डी नदीम। डी एन डी फैजल पे एम फोर विथ सिक्स एक्स काफ़ी अच्छा स्प्रे देने की कोशिश, बट डी एन डी फोन ने उनको काफ़ी डैमेज दिया। वन एच पी छोड़ा है, वन एच पी तुर्की हिल अप करते हुए पोजीशन चेंज करते हुए अपनी। डी एन डी फोन भी फॉल बैक करते हुए अपनी टीम के साथ होते हुए, तीन बंदे हैं वहाँ पे निकलते हुए वहाँ से, डी एन डी फैजल नदीम और एफ डॉन निकलते हुए वहाँ से फाइट को स्किप करते हुए, एक अच्छा डिसीजन। चिकन डिनर के लिए जाएंगे, लास्ट में फाइट लेंगे वो। के सामने डी एन डी स्क्वाड हाउस में रुकी है, यहाँ पर ऑलरेडी दो बंदे भी है, लेकलजीत और मर्चेंट मौजूद हैं, काफ़ी देर से होल्ड करे हुए थे। नीचे डी एन डी फैजल एंड नदीम, ये फाइट देखते हैं कौन सी टीम निकलती है, डी एन डी या मर्चेंट लजीत। डी एन डी एफ डॉन और फैजल पूरा का पूरा घुसते हुए, मर्चेंट ने एक अच्छा नॉक किया, डी एन डी एफ डॉन को नॉक कर दिया है। डी एन डी नदीम भी वन एच पी बचे हुए हैं, लजित ने डी एन डी नदीम को नॉक कर दिया है। अब डी एन डी फैजल अपनी टीम के लिए अकेले बचे हुए हैं, लजित काफ़ी अच्छा स्प्रे देकर वापस आए। डी एन डी नदीम नॉक पड़े हुए हैं, डी एन डी फैजल ने हील कर लिया है, बट पीछे से आते हुए मर्चेंट, डी एन डी फैजल ने इंस्टेंटली उन्हें देखा और स्प्रे दिया डीपी का काफ़ी अच्छा। डी एन डी फैजल ने दो के बीच फंस चुके हैं, डी एन डी फैजल विलेक लजित का काफ़ी अच्छा बचाव अपने टीममेट्स को, पूरा का पूरा फिनिश कर दिया विलेक लजित ने डी एन डी नदीम को। डी एन डी की टीम फिनिश होती है, दोनों फाइटों के दोनों टीमों के बीच की फाइट में आई, पूरा का पूरा फिनिश कर दिया वन एच पी बाइप ने और तुर्क साहिल ने। अब दो टीमें बची हैं, 8 प्लेयर अलाइव हैं, टीम नंबर 6 वर्सेस टीम नंबर 24। टीम नंबर 6 के पास टीम किल 2 हैं और टीम नंबर 24 के पास टीम किल हैं 15। काफ़ी अच्छा गेम प्ले टीम नंबर 24 के द्वारा, देखते हैं ये चिकन डिनर कौन पाता है। टीम नंबर 6 पूरा का पूरा जोन में नहीं है, टीम नंबर 24 का एक जोन का अच्छा एडवांटेज मिलेगा यहाँ पर। वन एच पी तुर्की वन एच पी बाइप के भी 5 किल, काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। वन एच पी एफ पी का 98 चलाते हुए, एच पी वेस्ट डी पी से स्प्रे देते हुए तुर्क साहिल स्मोक कर कर जोन में आने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही कठिन होगी इनके लिए ये फाइट, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ये टीम नंबर 6 पूरा का पूरा जोन से आउट है, टीम नंबर 24 पूरा होल्ड बनाए हुए है, उन पर एक रिच का कवर भी है और एक अच्छा जोन पूरा का जोन उन्हें फेवर कर चुका है टीम नंबर 6 के लिए।
टीम नंबर सिक्स के राजा तुर्क प्रोन होकर जोन में जाने की कोशिश, काफ़ी जोन का डैमेज भी काफ़ी मिल रहा है उन्हें। वन एच पी तुर्की एम फोर का सिक्स एक्सप्रेस भी देते हुए राजा तुर्क को नॉक किया वन एच पी बीस्ट ने। वन एच पी बाइप ने वन एच पी बीस्ट डी पी चलाते हुए आसिफ हबीबी को नॉक कर दिया है। बहुत ही अच्छा गेम प्ले वन एच पी बीस्ट के द्वारा। प्ले जोन से ख़त्म हुए राजा तुर्की, डी एन डी इस्माइलर रिवाइव दे रहे हैं, रिवाइव कर दिया उन्होंने इसलिए। तुर्क साहिल और इस्माइलर बचे हुए हैं, आसिफ अभी नौ के वो रिवाइव भी नहीं हो पाएंगे। डी एन डी इस्माइलर एम टू फोर से शॉट देते हुए वन एच पी तुर्की ने साहिल को नॉक कर दिया और वन एच पी तुर्की ने मार दिया। बहुत ही अच्छा गेम प्ले वन एच पी द्वारा। 21 किल के साथ चिकन डिनर किया है, बहुत ही ओपी गेम प्ले उनका। टीम नंबर सिक्स जो टू पे आई है तुर्क साहिल टीम दो किल के साथ, टीम नंबर थ्री मर्चेंट की टीम तीन पर तीन किल के साथ तीसरे पर, डी एन डी चार नंबर पर जीरो किल के साथ, पाशा की टीम दो किल के साथ पाँचवें पर, कैप्टन की टीम जीरो किल के साथ छठे पर।